आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। उमर अब्दुल्ला बीजेपी के दौरे इक्तदार में वजीर थे, महबूबा मुफ्ती बीजेपी के दौरे इक्तदार में वजीर आजम रही हैं। मैं दोनों की इज्जत करता हूं, पर मैं कभी भी बीजेपी का एमपी, सीएम या मरकजी वजीर नहीं रहा हूं। गुलाम नबी आजाद आजाद था, है और हमेशा रहेगा। आज डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को हरफे तनकीद बनाते हुए कहा। कांग्रेस का मंशूर अवाम नवाज है और उसने बीजेपी को बेचैन कर दिया है, जो फिरका वराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश करके अपनी मायूसी दिखा रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबरा महबूबा मुफ्ती ने आज इंतखाबी मुहिम के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंडिया इतिहाद का मंशूर, जिसमें कहा गया है कि खवातीन को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, किसानों को MSP फराहम किया जाएगा, NDA उसी की वजह से बेचैन हो गई है। पीडीपी यूथ के सदर और श्रीनगर पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार वहीद परा ने आज श्रीनगर में श्रीनगर हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। नामाकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीडीपी पार्लियामेंट में कश्मीर के लोगों की आवाज उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में हमारी कोशिश है कि कश्मीर के लोग महबूबा मुफ्ती की टीम को कामयाब बनाएं, ताकि हम सबसे बड़े इदारे में लोगों की आवाज उठाएं और वहां लोगों के मसाइल की नुमाइंदगी करें। हज़्बे इख्तिलाफ की जमातों के बढ़ते हुए दबाव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की राजस्थान में की गई तकरीर के खिलाफ शिकायत की जांच शुरू कर दी। बता दें तो रैली में वजीर आजम की जानिब से ये तजवीज दी गई थी कि अगर कांग्रेस इख्तदार में आई तो लोगों की दौलत को मुसलमानों में दोबारा तकसीम करेगी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और बारामूला पार्लिमानी हलके से पार्टी के उम्मीदवार सजाद गनी लोन ने जम्मू और कश्मीर के सबक नायब वजीर आला मुजफ्फर बेग की उम्मीदवारी के लिए हिमायत मांगी। लोन ने मुजफ्फर बेग और उनकी अहलिया सफीना बेग, जो जिला तरक्याती काउंसिल की चेयरपर्सन है, उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद आज सजाद लोन की जानिब से एक्स पर लिखा गया कि मुजफ्फर बेग और सफीना बेग से फोन पर बात करके खुशी हुई, जैसा कि गुफ्तगू मुतवक्की तौर पर इंतखाबात की तरफ मुड़ गई। मैंने जोर दिया कि उनकी हिमायत हासिल करना मेरा हक है। डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने आज जम्मू डिवीजन के समर जोन में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों की स्कूली औकात में तब्दीली का ऐलान कर दिया। जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक 1 मई 2024 से शुरू होकर 30 सितंबर 2024 तक जम्मू डिवीजन के समर जोन में हायर सेकेंडरी लेवल तक तमाम स्कूलों में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक नए वक्त की पाबंदी का मुशाहदा किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के बांडीपुरा जिले में बुध को सिक्योरिटी फोर्सेस और अल्ट्रास के दरमियान तसादुन शुरू हुआ, जिसमें 2 आर्मी के जवान जख्मी हो गए। उसके बाद छुपे हुए दहशतगर्दों की फिजाई निगरानी के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा। कश्मीर जोन पुलिस ने एक्स पर बताया कि अराकम के रेंजी जंगलाती इलाके में सुबह सवेरे दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान राबता कायम हुआ, जिसमें 2 आर्मी जवान जख्मी हुए। ताहम अभी छुपे हुए अक्सरियत पसंदों को ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और श्रीनगर पार्लियामानी हलके से उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर की जानिब से आज श्रीनगर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया, जिसके बाद नामाकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये इंतखाबात लोगों के हैं और अपनी पार्टी को जीत जरूर हासिल होगी। उन्होंने मजीद कहा, जो लोग 5 साल तक ताकत में रहे वो अपनी कारकर्दगी करने में नाकामयाब हो गए। हम ना पायलट लाएंगे, ना बैंक करप्शन करेंगे, ना क्रिकेट स्कैम करेंगे, ना PSA लाएंगे और ना ही जेलों को भरने के बाद दूध और टॉफी लाने का जिक्र करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि वोट बैंक की भूखी पार्टी मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नाफज करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के सरगोजा जिले के हेडक्वार्टर अंबिकापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम ने यह भी कहा कि कांग्रेस मुल्क में विरासती टैक्स लगाना चाहती है और लोगों को बच्चों के हकूक छीनना चाहती है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने मुंबई में सोने की स्मगलिंग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया और 10.48 करोड़ रुपए की कीमत दहात नकदी और दीगर कीमती आशिया जब्त कर लिए। एक एहलकार ने बताया कि पीर को जनूबी मुंबई में सोना पिघलाने की एक सोवत की में तलाशी की कार्रवाई के बाद 2 अफ्रीकी शहरी समेत 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है, जो सबसे ज्यादा खतरे की सतह 6 से तहफ़ फराहम करती है। वजारत दिफा के मुताबिक हाल ही में इस बुलेट प्रूफ जैकेट का टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में BIS 17051-2018 के साथ कामयाब तजुर्बा किया गया।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बुध के रोज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अपने अरबपति दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का इल्जाम लगाया और कहा कि मुल्क उन्हें इस जुर्म के लिए कभी भी माफ नहीं करेगा। एक्स पर हिंदी में पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि ये पैसा हिंदुस्तानियों के दर्द का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अडानी जैसे लोगों के लिए हाइप पैदा करने के लिए इसे खर्च किया गया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सबका जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल के वॉच एंड वार्ड असिस्टेंट को बरतरफ कर दिया। वाज़े रहे ये कदम तब उठाया गया जब एक इंक्वायरी ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की कि सरकारी मुलाजिम ने शिकायत का अंदाज से सरकारी नौकरी का वादा करने के बदले में रिश्वत ली थी। जम्मू कश्मीर में बुध के रोज ज्यादातर मकामात पर पारे में इजाफे के बावजूद हुकाम ने इत्तला दी कि रात का दर्जा हरारत मामूल से कम रहा है। महकमा मौसमियात के एहलकार ने बताया कि 25 अप्रैल तक आमतौर पर खुश्क मौसम की तवक्का है, लेकिन दोपहर को गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी की सरगर्मी को अलग थलग मकामात पर दर्ज नहीं किया जा सकता। तहम 26 से 28 अप्रैल में आमतौर पर बादल रहने के साथ साथ हल्की से दरमियानी बारिश के साथ कुछ मकामात पर गरज के इम्कानात भी हैं। स्ट्रेटेजिक मनाली ले कौमी शाहरा जो गुज़िश्ता साल नवंबर से बर्फबारी के बाद बंद हो गया था उसे खोल दिया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट दीपक और लद्दाख में प्रोजेक्ट हमांग के जरिए बर्फ साफ करने के पूरे काम को अंजाम दिया गया। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बुध को कहा कि हुकूमत की तरफ से दी गई हंगामी खरीदारी के इख्तियारात ने फोर्स को खुद को जदीद बनाने में मदद फराहम की है। जनरल मनोज पांडे सेंटर फॉर वॉरफेयर स्टडीज को ज़ेरे इंतमाम मानिक शाह सेंटर में टेक्नोलॉजी जज़ब करने का साल सिपाही को बाइख्तियार बनाने के मौजू पर मुनक़दा सेमिनार से खिताब कर रहे थे। और चीन पर पर्दादार तंज करते हुए हिंदुस्तान ने कहा कि यूएनएससी की पाबंदियों की कमेटियों में तजावीज पर रखी गई होल्ड्स पाकिस्तान में मुकीम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने जैसे मामलात पर छिपे हुए वीटो में है, जहां काउंसिल के मेंबरान ऐसा नहीं करेंगे कि कोई जिम्मेदारी ले लें। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।